हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस पे। स्क्रीन पे दिख रहा है नोट्स पब्लिकेशन। नोट्स पब्लिकेशन का एक सामान्य ज्ञान सिंगल लाइनर क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये एनसीईआरटी पैटर्न, और एक और बड़ी बात इसमें चैप्टर वाइज है। हर चीज़ें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज इसमें जो है डिस्क्राइब किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं। जैसे इसमें से हम पहले विविध सामान्य ज्ञान कम्प्लीट करा चुके हैं, लोक संस्कृतियों खेल कूद कंप्लीट करा चुके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था भी कंप्लीट हो चुकी है, भारतीय संविधान भी कंप्लीट कराया जा चुका है, और भारतीय इतिहास भी कंप्लीट कराया जा चुका है। आज जो है विश्व और भारत का पूरा भूगोल, इनमें से आज भारत का भूगोल हम जो है कंप्लीट पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे, हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम इसमें सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर सामान्य ज्ञान की डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों बने रहें, आपको इसका बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है, तो बने रहें। तो आपको बता दें ये सब पहले से हो चुके हैं इसमें प्रीवियस वीडियो में, और आज जो है इनमें से एक जनजातियों सम रिलेटेड जो है वीडियो कंप्लीट कराने वाले हैं। इसमें से पहले भारत की जनजातियों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों बने रहें, इसको जूम कर लेते हैं कि आपको विजिबिलिटी अच्छी रहे। देखिए पहला स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम प्रजाति समूह जो है निग्रो था, कौन सा था आप बताएंगे? निग्रो था, प्रथम प्रजाति निग्रो था। उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड आए, अंत में जो है नॉर्डिक प्रजाति के लोग भारत में आए। सबसे पहले कौन सा है? निग्रो प्रजाति के लोग, उसके बाद प्रोटो, उसके बाद नॉर्डिक प्रजाति। तीनों का नाम आपको याद कर लेना है। वैसे भारत के निर्जाति समूह कौन से? निग्रो, प्रोटो, ऑस्ट्रलॉइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, ये इनका क्रम है। निग्रो, प्रोटो, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक। अब बात करते हैं जनजातीय समूह को अधिसूचित करने का अधिकार किसके पास है, तो आप बताओ राष्ट्रपति के पास है। वहीं शिवालिक श्रेणियों में राम, रामा, पिथेकस आदि मानव का जीवाश्म मिलता है, कहाँ पर? शिवालिक श्रेणी में रामा पिथेकस नामक जो है आदि मानव का जीवाश्म मिलता है। आदिवासियों का मसीहा किसे? ठक्कर बापा को कहा जाता है। किसे आप बताएंगे? ठक्कर बापा को आदिवासियों का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। वहीं पर प्रथम जनजाति आयोग की के अध्यक्ष कौन हुए? ईवन ढेबर थे प्रथम जनजाति आयोग के अध्यक्ष। भारत की कुल जनसंख्या मात्र 8.6% ही अनुसूचित जनजाति, जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, तो आप बताओ कि मध्य प्रदेश में निवास करती है। टोटल कितने परसेंट हैं? 8.6% हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है गोंड है, कौन सा है? गोंड है, जबकि दूसरा कौन सा है? भील है। ये आपको याद करना है, सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा? गोंड। दूसरे नंबर पर क्या है? भील है। कुकी जनजाति मणिपुर की है, जबकि भील जनजाति क्या है? मध्य प्रदेश में निवास करती है। भील जनजाति कहाँ? मध्य प्रदेश की। भारत सबसे छोटा जो है जनजातीय समूह क्यों? ग्रेट अंडमानी सबसे छोटा जनजातीय समूह है। और मुर्गी की, मुर्गी व सोरों की बलि देकर विवाह की क्रिया जो है खासी जनजातियों पर चाहिए था। मुर्गी या सोर की बलि देकर वे विवाह करते हैं। अब बात करते हैं जादू नृत्य जो है उराव जनजाति में, जबकि ताड़ी नृत्य जो है संथाल जनजाति में पाया जाता है। केरल में मोपला, नायर व डाफर जनजाति जो है, जबकि बात करते हैं डफला, आपातानी और मिसमी जो है या अरुणाचल प्रदेश। देखिए डाफर अलग है और डाफला अलग है, डफला या डाफला जो है कहेंगे, या आपातानी और मिसमी ये सब अरुणाचल प्रदेश में, जबकि केरल में मोपला और डाफर और नायर जो है ये केरल की जनजातियाँ हैं। ओंग है, सेंटलीज है, ये अंडमान निकोबार द्वीप में, जबकि जारवा सोमपेन भी जो है निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। जारवा सोमपेन, ये चारों नाम याद कर लेना है। ओंग और सेंटलीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जारवा सोमपेन भी जो है निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। अब बात करते हैं सिक्किम में लेपचा जनजाति रहती है, जबकि गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश। सिक्किम में कौन सा? लेपचा। और गद्दी जनजाति कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। अब यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सासी जनजाति जो है पंजाब में निवास करती है, संथाल मुंडा जो है ये झारखंड में निवास करती है। संथाल और मुंडा कहाँ पर है आप बताओगे? झारखंड में निवास करती है, जबकि सासी कहाँ पर? तो पंजाब में निवास करती है। राजी खुशी विवाह हो जनजाति में पाया जाता है, जबकि हरण विवाह जो है गोंड जनजाति में। देखिए राजी खुशी विवाह किस में आप बताओगे? हो जनजाति में, जबकि हरण विवाह जो है गोंड जनजाति में पाया जाता है। हर के विवाह से विवाह किया जाता है। नेक्स्ट, जनजातियों के शैक्षिक संस्थान को युवा गृह कहा जाता है। क्या? जनजाति शैक्षिक संस्थान को युवा गृह।
उन पर टोंड जनजाति जो है, गद्दी जनजाति, वो भोटिया जनजाति, ये पशुपालक हैं। इनमें ऋतु प्रवास पाया, ऋतु के अनुसार ये अपने स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं। टोंडा, गद्दी और भोटिया ये आपको बताएंगे पशुपालक हैं, ये ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास कौन करते हैं तो आपको तुरंत बताओगे, टोंडा जनजाति, गद्दी जनजाति, भोटिया जनजाति, ये पशुपालक भी हैं और ये ऋतु परिवर्तन भी करते हैं। बने रहे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं भारतीय प्रमुख राज्य वार वितरण के बारे में बात करते हैं, वहीं पर बात करते हैं। भारत में काला पानी की सजा के लिए ब्रिटिश शासन काल में अंडमान निकोबार द्वीप का प्रयोग किया जाता था। वहीं पर 1973 में लक्का द्वीप या मिनी का अमीन द्वीप का नाम जो है बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। इन तीनों का नाम देखो, लक्का द्वीप, मिनी काय और अमीन द्वीप, तीनों को मिला के क्या लक्षद्वीप कर दिया गया। भारत में व्यवस्थित रूप से बसा शहर चंडीगढ़ है, जिसके वास्तुकार ला कार्बुजियर है। पहला व्यवस्थित शहर कौन सा था या सुनियोजित शहर, तो आप चंडीगढ़ बताएंगे। वहीं पर सुखना झील और रॉक गार्डन या लेजर वैली जो है चंडीगढ़ में ही स्थित है। कौन सा, सुखना झील, रॉक गार्डन और लेजर। ये रॉक गार्डन तो कई बार नेक चंद वाला पूछा इसको किसने बनाया था, नेक चंद ने बनाया था। अब बात कर दिल्ली की स्थापना जो है तोमर वंशीय राजा अनंग पाल ने किया था। कब, दिसंबर 1911 में कोलकाता में दिल्ली की राजधानी स्थानांतरित हुई थी। 1911 में जो है राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली बनाया गया, भारत की राजधानी। आधुनिक दिल्ली की वास्तुकार कौन से, एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर थे। दिल्ली, आधुनिक दिल्ली के वास्तुकार कौन है तो एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर थे। एकलिंग मंदिर का राजस्थान के जयपुर में स्थित है एकलिंग मंदिर। अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 में हुई, जिसका वारंगल शहर के विश्व धरोहर शहर को घोषित किया गया। वारंगल को क्या है, विश्व धरोहर शहर को घोषित किया गया। अब बात करते हैं सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है, जहाँ नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, सियाचिन से। मालदा जो है पश्चिम बंगाल में का एक जिला है। यूं 3 बीघा गलियारा ये भी जो है पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, 3 बीघा गलियारा। अब बात करते हैं 1995 में बम्बई का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, मुंबई कर दिया गया था। वही गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई के में 1911 में बना, जिसका जो है डिजाइन जॉर्ज बिबेट ने किया था। ये चीज़ें याद कर लेना है, जॉर्ज बिबेट ने क्या किया था, गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था। 1968 में मद्रास राज्य का नाम जो है तमिलनाडु रख दिया गया, जबकि मद्रास का नया नाम जो है चेन्नई 17 जुलाई 1996 में किया गया। देखिए, मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, जबकि वही मद्रास जो जगह का शहर का नाम क्या कर दिया गया था, चेन्नई 17 जुलाई 1996 में किया गया। अब बात करते हैं 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। और वहीं पर पोंगल व जल्लीकट्टू का संबंध किससे है, तो तमिलनाडु राज्य के खेल से संबंधित है। जल्लीकट्टू क्या है, बैल की दौड़ होती है। कावेरी जल विवाद जो है तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में विवाद है, के लिए जून 1990 में कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। असम का पुराना नाम जो है प्रयाग ज्योतिषपुर या कामरूप था। कौन सा, असम का पुराना नाम प्रयाग ज्योतिषपुर या क्या था, कामरूप था। और वहीं पर बात करते जनवरी 2006 में पांडिचेरी का नाम जो है पुडुचेरी कर दिया गया। पहले इसका नाम पांडिचेरी था, अब क्या हो गया, पुडुचेरी कर दिया गया है। श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे, अशोक को जाता है, अशोक मौर्य की बात कर रहे हैं। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारत का सबसे बड़ा भूकंप आया। सबसे बड़ा भूकंप कब आया था, तो गुजरात के भुज में सन 2001 में आया था। कसौली या डलहौजी नामक पर्वतीय स्थल जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि कोडाई कनाल व ऊटी जो है तमिलनाडु में है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था, अभी देखिए ऊपर देखा था आपने, नेक चंद ने। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, गौड़ था। बंगाल का प्राचीन नाम आप बताएं, गौड़ था। हैदराबाद को भाग्यनगर नाम से जाना जाता था, पहले हैदराबाद को किस नाम से, भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। अब वहीं पर बात करते हैं, महारानी व सोना मीना नामक नगर जो है त्रिपुरा में स्थित है, और सिपाही जाला पर्यटन स्थल जो है ये त्रिपुरा में ये भी स्थित है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है अयात केसरी ने करवाया, बनवाया था अयात केसरी ने। बने रहे प्यारे साथियों, अब भूगोल से संबंधित जो विभिन्न जानकारी है आपको वो मिलने वाली है, बने रहे हमारे साथ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में अधिसूचित हुआ, 2006 में जो है इसको लागू किया गया। भारत में दो प्रमुख आपदाएं बाढ़ व सूखा जो है, जबकि सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं उड़ीसा राज्य में आती हैं।
दो प्राकृत जो कहते प्रमुख आपदा कौन सा, बाढ़ और सूखा, जबकि सर्वाधिक आपदा कहाँ, उड़ीसा में आती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में हुई, जबकि भारत में सर्वाधिक बाढ़ असम में, देखिए सबसे अधिक बाढ़ जो है असम में, लेकिन सबसे कहते आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं कहाँ, उड़ीसा में, लेकिन बाढ़ कहा जाएगा तो बताओ असम में। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर, लातूर जो है, लातूर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कोयले के जलने से निकलने वाले ठोस पदार्थ को फ्लाई ऐश कहा जाता है। कोयले से जलने जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, फ्लाई ऐश कहा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में भारत में, जबकि 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ। कब लागू हुआ, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में आया और 12 अक्टूबर जो है 2005 को इसको पूरे देश में लागू किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित, जबकि बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम जो है 1986 में पारित किया गया था। कुपोषण के कारण भारत में इथोपिया कहा जाता है, भारत में इथोपिया किसे, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि जैसे इथोपिया में कुपोषण है वैसे मध्य प्रदेश में भी कुपोषण है। शिमला हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी पर स्थित है, जबकि गिरनार जो है कि पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। वहीं पर तिरुपति सेसाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है, जबकि बात करते हैं नंदी जो है हिल्स मैसूर में है। नंदी हिल्स कहाँ पर, मैसूर में है। नेपाल की नारायणी या शालिग्राम नदी जो है मिलकर गंडक नदी बनाती हैं। नेपाल में नारायणी और शालिग्राम जब मिलती हैं तो कौन सी नदी बनाती हैं आप बताओगे, गंडक नदी बनाती हैं। अब वहीं पर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, नेफा था। और वहीं पर झुमरी तिलैया जो है नामक स्थान जो है ये झारखंड में, झुमरी तिलैया आपने सुना होगा, तो ये कहाँ पर है, झारखंड में है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर, वाराणसी में। सब्जी कहाँ पर, वाराणसी में। मंगला नामक तेल कुआं कहाँ पर, तो राजस्थान में है। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री नीलम संजीवा रेड्डी, यहाँ नीलो हुआ, नीलम संजीवा रेड्डी होना चाहिए था। सबसे युवा या निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे, नीलम संजीवा रेड्डी ही बने थे। इंदिरा गांधी की हत्या का जाँच के लिए 1984 में ठक्कर आयोग का गठन कब किया गया था, तो इंदिरा गांधी की हत्या की जाँच करने के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। अयोध्या बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले में लिब्राहिम आयोग का गठन किया गया था। बाबरी मस्जिद ढांचा जो है 6 दिसंबर 1992 में गिराया गया। वहीं गोधरा कांड 2002 में नानावाटी आयोग गठन किया गया गोधरा कांड के बाद। और राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 में श्री पेरम्बूर में हुई, जिसकी जाँच के लिए जैन आयोग का गठन किया गया था। देखिए इंदिरा गांधी का कौन सा, ठक्कर आयोग, और राजीव गांधी का जैन आयोग का गठन किया गया। अब बात, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुंबई में घर बनवाया था जिसे लियो टॉलस्टॉय, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना घर कहाँ, मुंबई में बनवाया था, जबकि लियो टॉलस्टॉय का संबंध किससे, रूस से है। वहीं पर एक दार्शनिक थे, दामोदर नदी को जैविक वनस्थल की उपमा दी जाती है। भारत का महोत्सव जो है, भारत महोत्सव का आयोजन ब्रिटेन में 1982 में हुआ था। वहीं पर बात, सालारगंज संग्रहालय जो है हैदराबाद में स्थित है, जबकि महादेव की पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में, महादेव मध्य प्रदेश में, दोनों में माँ दिख रहा है आपको, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। मैकाली की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, जबकि टाइगर हिल्स कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। टाइगर हिल्स कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। वहीं पर भारत का सबसे नया मानचित्र 2 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 75 जिले, जबकि मध्य प्रदेश में कितने हैं, 51 जिले, जबकि सबसे कम जिले जो है किसमें, गोवा में मात्र 2 जिले हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में 12 जिले, जबकि दिल्ली में कितने हैं आप बताओ, 11 जिले हैं। दंड कारण जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। और वहीं पर बात करते हैं सिक्किम की सीमा जो है नेपाल, भूटान तथा चीन की सीमा से लगता है। अब हम विश्व का भूगोल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्यारे साथियों, और 2 से 3 वीडियो में जो है विश्व का भूगोल हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहें, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा प्यारे साथियों। तो आपको क्या करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसका फ़ायदा ले सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।